क्या आपको पता है कि जो कंगारूस होते हैं वो अपने बाइसेप्स यानी कि डोले सोले क्यों दिखाते हैं? और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दिनों तक जलने वाला बल्ब कौन सा है? और ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी नदी नहीं है, मतलब उस देश से एक भी नदी नहीं बहती है? ये सब मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और अपना 7 डे चैलेंज तो चल ही रहा है, तो आपको इस वीडियो पे कमेंट करना है, एक जेन्युइन कमेंट करना। मैं वीडियो के बीच में एक कोड दूंगा जिसे आपको कमेंट करना है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि जो हिप्पोस होते हैं वो तैर नहीं सकते, तो फिर वो पानी के अंदर मूव करते तो करते कैसे है? तो बात कुछ ऐसी है कि जो हिप्पोस होते हैं वो खुद को पानी के अंदर पुश करवा सकते हैं, क्योंकि हिप्पोस का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हिप्पोस पानी के अंदर ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 2, पिछले 500 सालों में जितने भी एक्सटिंक्शन हुए हैं उनमें से 322 जानवरों का एक्सटिंक्शन सिर्फ हम ह्यूमंस के कारण हुआ है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 322 एनिमल स्पीसीज की जान हम ह्यूमंस ने ले ली है। फैक्ट नंबर 3, जितने भी मैमल्स होते हैं उनके लिए जो नींद होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन जो हाथी होते हैं वो सभी मैमल्स में से सबसे कम सोते हैं। हाथी जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए ही सोते हैं। अगर यहाँ हम लोग हाथी की जगह होते तो हमें कैसा लगता, मतलब कैसा महसूस होता, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका की जो करेंसी होती है यानी कि डॉलर्स, उसमें कौन लोग रह सकते हैं, मतलब उस नोट पर किसकी तस्वीर हो सकती है? अमेरिकन लॉ के मुताबिक सिर्फ डेड पर्सन ही अमेरिकन करेंसी में रह सकते हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो नोट पे जो है वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है। फैक्ट नंबर 5, जो लैम्बोर्गिनी के मालिक थे यानी कि फेरासियो लैम्बोर्गिनी, वो एक किसान थे लेकिन उन्हें फार्मिंग में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो कुछ और ही करना चाहते थे। 1960 में फरारी कार्स की लाइन में सबसे टॉप पर चल रही थी। फरारी के मालिक एंजो फरारी एक अच्छे मैकेनिक थे। तब लैम्बोर्गिनी ने ये डिसाइड किया कि वो फरारी को बताएंगे कि उनकी कार्स में क्या गलती उन्हें मिली है। फरारी जो थे उस वक्त टॉप पर चल रहे थे और वो किसी ट्रैक्टर मैकेनिक से सलाह नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि फरारी को लगता था कि लैम्बोर्गिनी को कार्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लैम्बोर्गिनी को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी हॉबी को पैशन में चेंज करने का फैसला ले लिया और अपनी एक कार बना दी और 1964 तक अपनी 13 कार बेच दी। तब लोगों को लगता था कि फरारी की तरह कार बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज लैम्बोर्गिनी फरारी को कड़ी टक्कर दे रहा है। फैक्ट नंबर 6, ऐसा कौन सा देश है जिसके पास कोई भी नदी नहीं है? तो सऊदी अरेबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास कोई भी नदी नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आज जो फैशन मैगजीन होती वो ज्यादातर इसे 1672 में छापा गया था और इसका नाम रखा गया था गैलेंट मर्करी। तो मैं आपको कोड देने जा रहा हूँ, तो आपको कमेंट में लिखना है आई सपोर्ट यू। फैक्ट नंबर 8, एक खास तरह का ऑक्टोपस होता है जिसे हम जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस कहते हैं, और ये जो ऑक्टोपस होता है वो अपने पूरे बॉडी को स्क्वीज कर सकता है, यानी कि 100 पाउंड का ऑक्टोपस अपने आप को एक चेरी टोमेटो जितना छोटा कर सकता है। फैक्ट नंबर 9, द लॉन्ग लास्टिंग लाइट बल्ब, एक बल्ब जो है वो कितने दिनों तक जल सकता है, 1 साल 2 साल या फिर 5 साल? लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा दिनों तक जलने वाला बल्ब अभी तक जल रहा है बिना बंद हुए। सेंटेनियल बल्ब 1901 से अभी तक जल रहा है और यह लगभग 120 सालों से जल रहा है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जो कंगारूस होते हैं वो अपने बाइसेप्स यानी कि डोले सोले क्यों दिखाते हैं? मेल कंगारू फीमेल कंगारू को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बाइसेप्स दिखाते हैं, ताकि वो दूसरे मेल कंगारू से ज्यादा स्ट्रांग लग सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो के बीच में मैंने एक कोड दिया है, तो उस कोड को भी बताना कमेंट में मुझे ना भूलिएगा, इसीलिए मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरी अंत तक देखी।